Hello everybody, good afternoon. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. Hamesha main bolta hun, unlimited learning just because here we try to provide you lot and lot and lot for your learning absolutely free. Okay, so what is the agenda of the day? So today we are going to discuss probability little bit more and after that we will start the statistics. बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के बहुत अच्छे से क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और बड़ा ही मजा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लर्न व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. चलिए तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज विश्वदीप. आई एम वर्किंग एज अ चैनल लीडर ऑन दिस चैनल एंड आई हैव रिटन गेट एग्जाम इन कंप्यूटर साइंस मल्टीपल टाइम्स. माई एंटायर प्रोफाइल इज रिटन हियर. द कोर्सेस आई एम गोना टीच यू इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी लैंग्वेज, पाइथन, machine learning, data science and coding interview problems and so many. But the motive to teach you here absolutely free will be fulfilled only when you guys will take at most care of these sessions. You guys will take gain and profit out of these sessions aur wo tabhi ho payega jab aap bahut sincerely in sare सेशंस को यूटिलाइज करके और अपने करियर बिल्डिंग एक्टिविटी में यूज करोगे तो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा. आपको और कुछ लर्न करना है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से भी लर्न कर सकते हैं. कैसे? अनअकैडमी.com पे जाएं या फिर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करें, लर्नर ऐप, मेरी प्रोफाइल में जाएं और उसे फॉलो कर लें. आपको मेरी प्रोफाइल में मिलेंगी स्पेशल क्लासेस जो कि है एब्सोल्युटली फ्री. अगर आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को वहां पे मिलेगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार अनअकैडमी के ऐप पे जा रहे हैं तो आपको फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए कोड यूज करना पड़ेगा VDEEP10. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की तो आपके प्रिपरेशन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ट्रबल करेंगी. उन ट्रबल्स का, उन प्रॉब्लम्स का, उन ऑब्स्टेकल्स का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी प्लस पे. वो सॉल्यूशन क्या है? आपको हम DPP प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कम प्रैक्टिस हुआ है तो हम जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए. आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. इन डेप्थ लर्निंग मिलेगी हर एक टॉपिक की, ताकि आपको एक फील हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट का, और हर तरीके से उस कंसेप्ट को हर पर्सपेक्टिव में समझाया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि यस दिस इज द टॉपिक, इट्स ऑल द पर्सपेक्टिव आर क्लियर, नाउ आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months एंड 24 months. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है. बट अगर आप यूज करेंगे कोड VDEEP10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी और मेरी पूरी टीम का सपोर्ट मिलेगा अगर आप यूज करेंगे VDEEP10 कोड को. ये डिस्काउंट कोड बिल्कुल नहीं है, ये ट्रस्ट कोड है जो आप मुझ पे रखेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, और मैं आपको हेल्प करूंगा मेरी पर्सनल मेंटरशिप की हेल्प से कि आप कैसे प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हैं. अगर आपको एक पर्सनल कोच की फैसिलिटी चाहिए तो आप जाएं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ, जिसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे और साथ ही साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच. जो पर्सनल कोच एक एक्सपर्ट होंगे जो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे, आपको आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, आपको स्टडी बूस्टर्स देंगे, आपको एक्स्ट्रा सेशंस मिलेंगे, बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स और नोट्स भी मिलेंगे. ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अवेलेबल फॉर 24 months एंड 12 months ओनली. अगेन इफ यू यूज द कोड VDEEP10 तो आप अपनी प्रिपरेशन मेरे ट्रस्ट पे करेंगे और ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको गाइड करता रहूंगा सही टाइम पे, सही तरीके से कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे. एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, वो है 28th of April. ऑलरेडी कल स्टार्ट हो चुका है, एक ही दिन हुआ है. अगर आप चाहें तो एक नया कोर्स नया बैच से स्टार्ट करके ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन अपनी गेट के लिए कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को. बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मुझे चाहिए आप लोगों की प्रेजेंस. तो जल्दी से अपनी प्रेजेंस मार्क कर दो. कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लाइक द सेशन एंड सेकेंड ऑफ दैट इज टाइप डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन अवेलेबल है. मुझे पता तो चले कि कौन कौन आज मेरी क्लास में है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग लर्निंग के लिए कौन कौन रेडी हैं और कौन कौन पढ़ रहे हैं. चलिए ओके. राजेन जी, कल के क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल था यार, वहां से आप वैल्यू निकाल लो.
वैल्यू निकाल लो, आपको कल के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कल का जो क्वेश्चन था उसका वैल्यू का वैल्यू मिल जाएगा। किसी ने आंसर भी दे रखा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इट वॉज वेरी सिंपल, आपको ईजिली वहीं से आंसर मिल जाएगा। कुछ शायद 25 वैल्यू थी, 25/100 समथिंग कुछ था। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हम करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बड़े ही इजी इजी उनका अंडरस्टैंडिंग है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया बाय अ बैंक, रिवील दैट 40% ऑफ द अकाउंट्स आर सेविंग अकाउंट्स, 35% आर दी करंट अकाउंट्स एंड बैलेंस आर लोन अकाउंट। बैलेंस मतलब बचे हुए लोन अकाउंट। तो एक बैंक में 40% सेविंग्स अकाउंट है, 35% करंट अकाउंट्स है, और बचे कितने? सेविंग्स अकाउंट है हमारे पास 40%, करंट अकाउंट है 35% और लोन अकाउंट कितने हैं बचे हुए? कितने? 75 गए, तो 25% लोन अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंट टेकन एट रैंडम इज अ लोन अकाउंट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी अकाउंट आपने अगर रैंडमली सिलेक्ट किया तो वो लोन अकाउंट है? लोन अकाउंट की प्रोबेबिलिटी 25% लोन अकाउंट है अमंग ऑल 100%, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पे 0.25। प्रोबेबिलिटी पूछा है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंट टेकन एट रैंडम इज नॉट अ सेविंग्स अकाउंट? नॉट अ सेविंग्स अकाउंट मतलब इट कैन बी करंट अकाउंट और सॉरी इट कैन बी अ लोन अकाउंट। तो यह आ जाएगा पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ एल। पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ एल अगर आएगा तो ये आ जाएगा 35 प्लस 25, कितना हो जाएगा? 60%, 0.6, 0.6। जय महाकाल। ओके वेलकम बड़ी, वेलकम, स्वागत है आपका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंट टेकन एट रैंडम इज नॉट अ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट नहीं है इसका मतलब है कि या तो वो कौन से टाइप का अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है और वो लोन अकाउंट है। तो यह आ जाएगा 40 प्लस 25, 0.65। लास्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन अकाउंट टेकन एट रैंडम इज अ करंट अकाउंट और अ लोन अकाउंट? करंट अकाउंट और अ लोन अकाउंट मींस नॉट अ सेविंग्स अकाउंट। नॉट अ सेविंग्स अकाउंट तो सेकेंड और फोर्थ एक जैसी बात बोल रहा है। नॉट अ करंट अकाउंट बोलेंगे, सॉरी नॉट अ लोन अकाउंट बोलेंगे, सॉरी नॉट अ सेविंग्स अकाउंट बोलेंगे, या फिर बोल देंगे करंट अकाउंट और अ लोन अकाउंट। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट और अ लोन अकाउंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन अकाउंट सेम टू सेम 0.4 प्लस, कुछ उल्टा लिखा मैंने, नॉट अ सेविंग अकाउंट, ओके नॉट 0.4, 0.35 प्लस 0.25, 0.35 प्लस 0.25 विच इज 0.6। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, एक हेड स्टार्ट हमें मिल गया कि चलो हाँ हमको प्रोबेबिलिटी आती है। अब बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इनमें जितने भी हमने यहाँ इवेंट्स देखी थी ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एल विल बी जीरो। कोई अकाउंट या तो सेविंग्स का टाइप का हो सकता है या करंट टाइप का हो सकता है या लोन टाइप का हो सकता है। कोई अकाउंट एक दो टाइप का नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से कोई भी या इन तीनों में से कोई भी दो इवेंट ऐसी नहीं होगी जो एक साथ हो सकती है कि एक अकाउंट सेविंग्स टाइप का भी है और लोन टाइप का भी है, ऐसा नहीं होगा, राइट? इसीलिए ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि आपको एक इवेंट ऑलरेडी हुई हुई रहती है, अकर हो चुकी होती है, और उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज के बेसिस पे आपको दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जैसे कि मैंने कल आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी, वो चीज ये बताई थी कि अगर आप ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खाते हैं, ठीक है, वो 60% टाइम आप करते हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट में आलू पराठा खाते हैं तो नंबर ऑफ चपाती जो आप लंच में खाएंगे या नंबर ऑफ रोटीज जो आप लंच में खाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। अगर आलू पराठा खाएंगे तो नंबर ऑफ चपातीज दो खाएंगे, अगर आप आलू पराठा नहीं खाएंगे कुछ और खाएंगे तो नंबर ऑफ चपातीज थ्री खाएंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी नंबर ऑफ
चपातीस की, वो डिपेंड करेगा किस पे, आलू पराठा पे, कि आपने आलू पराठा कितना खाया है, राइट? या आलू पराठा खाया है या और कुछ खाया है, राइट? तो ये जो चीज है, ये डिपेंडेंसी बात आती है कंडीशनल की, कि एक पर्टिकुलर इवेंट हो चुकी है, गिवन दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट हैज अकर्ड, नाउ द नेक्स्ट इवेंट यू विल हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ। जैसे कि मैं एक सिंपल सा और क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों ने बहुत बार ये वाले टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि आपके पास एक कार्ड का डेक है फुल, ठीक है, उस कार्ड के डेक में आपके पास 52 कार्ड्स हैं, राइट? अब 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, करो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड आपको हार्ट मिलेगा? दैट कार्ड शुड बी हार्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट पर्टिकुलर कार्ड विच यू हैव ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज अ कार्ड ऑफ हार्ट्स? आपके पास कितने हार्ट्स होते हैं? 13। 13 कार्ड्स हार्ट्स के होते हैं, तो अगर 13 कार्ड्स है तो आपको मिलेगा 13/52, कि 13 में से कोई भी एक कार्ड हमको मिल सकता है। बट अगर मैंने ये कार्ड वापस रिप्लेस नहीं किया, ये कार्ड वापस नहीं रखा, ये कार्ड वापस नहीं रखा और वापस से एक और सेकेंड कार्ड ड्रॉ किया, एक और कार्ड ड्रॉ किया, अब बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट व्हेन द फर्स्ट कार्ड वाज हार्ट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी हो जाएगा? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड विच यू हैव ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ हार्ट्स। जो आपने कार्ड ड्रॉ किया है, निकाला है, वो हार्ट का ही है। अब देखिए, अगर आपकी पहली इवेंट हो चुकी है कि आपने एक कार्ड निकाला वो हार्ट था और दूसरा कार्ड निकालो वो भी हार्ट हो, तो यहां पे अगर आप सेकेंड कार्ड ड्रॉ करते हो और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, तो यहां लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट व्हेन द फर्स्ट कार्ड वाज हार्ट। अब बात करेंगे, अगर सेकेंड कार्ड भी हार्ट है तो आपके पास सेकेंड कार्ड जो है वो 12 ही कार्ड बचेंगे, आपके पास 12 कार्ड्स ही बचेंगे, आपके पास सिर्फ 12 कार्ड्स ही बचेंगे, सिर्फ 12 कार्ड्स ही बचेंगे। और 12 कार्ड्स में से क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो आप निकाल चुके हो और उनमें भी टोटल कार्ड्स 51 रहेंगे, 12/51। अब ये इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, की एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है कि आपने एक कार्ड निकाला और वो हार्ड था, इसके बेसिस पे आपको दूसरी कंडीशन निकालनी है या दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी दूसरी इवेंट की, तो उसे क्या बोलेंगे? इस तरीके से लिखते हैं हम, P(B/A), राइट? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड। नोशन फॉर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। इस लॉकडाउन और कोरोना के मुश्किल टाइम में योर क्लास इज ओनली रिफ्रेशिंग थिंग दैट आई वेट फॉर। आदित्य पांडे जी, मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ सिखाया जाए, मजा आए इनको सीख के आपको, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इस इवेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसके बेसिस पे आपको एक नई प्रोबेबिलिटी, किसी दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे एक इवेंट ए ऑलरेडी हैज अकर्ड और ये इस इवेंट का इफेक्ट इवेंट बी पे होगा, यस होगा। तो अब बताओ कि अगर एक इवेंट ए हो चुकी है, उसका आप पे बी इवेंट पे असर होगा, तो आपको अगर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन इवेंट ए हैज बीन गिवन, तो उसे आप लिखेंगे P(B/A)। इस तरीके से उसका नोटेशन होता है, P(B/A)। नोटेशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी और गिवन दैट ए इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड।
आपने ए इवेंट क्या लेंगे, पहला कार्ड हार्ट था, बी इवेंट क्या है, मुझे एक और चाहिए वो भी हार्ट चाहिए, बट दूसरा चाहिए वो भी हार्ट चाहिए, कब, जब एक इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, कौन सी, पहला कार्ड निकाला और वो हार्ट था, वो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी व्हेन इवेंट है ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, इसे क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है जो शायद आप लोगों ने सबने पढ़ा हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू मल्टीप्लिकेशन है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और इनफैक्ट आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम टू सेम चीज है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज अकर्ड, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लगेगा कि हाँ अब समझ में आया है प्रोबेबिलिटी। पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो, आंसर मत दो। आंसर मत दो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, यहीं से हम बेस थ्योरम जो है, BAYES, बेस की थ्योरम जो है, उस थ्योरम का एक बेसिक समझने वाले हैं, यहीं से आपको उसका बेसिक समझ में आएगा। चल, थ्री पर्सन्स ए बी सी आर कंपीटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीईओ ऑफ अ कंपनी, तो तीन लोग हैं जो एक कंपनी का सीईओ बनने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ने दो। द चांसेस ऑफ दे बिकमिंग सीईओ आर, उनके चांसेस दे रखे हैं कि पर्सन ए सीईओ बनेगा उसका चांस है 0.2, पर्सन बी बनेगा उसका चांस है 0.3, और पर्सन सी बनेगा उसका चांस है 0.4, ठीक है। अब अगर ये सीईओ बन गए तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिशियल डिसीजन लेंगे, उसका जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो है 0.5, अगर ए सीईओ बना तो एम्प्लॉय के बेनिफिशियल डिसीजन लेंगे, उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसके जो चांसेस है 0.5 है, अगर बी सीईओ बना तो उसके चांसेस हैं कि वो एम्प्लॉयज के बेनिफिशियल डिसीजन लेंगे, वो चांसेस है 0.45, और अगर सी एम्प्लॉय जो है वो सीईओ बन गया तो वो एम्प्लॉय के बेनिफिट में या एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजंस लेंगे, उसके चांसेस है 0.6, राइट। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या चांसेस हैं कि एम्प्लॉय के बेनिफिट में डिसीजन आएगा अगर न्यू सीईओ बना तो, नया सीईओ आया तो एम्प्लॉय के बेनिफिट में चांस, क्या चांसेस है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट में डिसीजंस लिए जाएंगे नए सीईओ के थ्रू। अब सबसे पहले तो ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है इनको समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है, एक इवेंट है कि ए पर्सन सीईओ बनता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, बी पर्सन सीईओ बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3, और सी पर्सन सीईओ बनता है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ए टू ए थ्री मैंने ले लिए हैं 0.2 0.3 0.4। अब ये जो 0.5 दे रखा है ना डियर, ये क्या है, 0.5 वो चांस है कि ए सीईओ बना है और उसने एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लिया है, तो ये इवेंट हो चुकी है, कौन सी, की ए जो है वो सीईओ बन चुका है, दिस हैज ऑलरेडी बिन अकर्ड, ये इवेंट हो गई, जी हाँ हो गई। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि ए इवेंट अगर हो गई है और एम्प्लॉय का बेनिफिशियल रिजल्ट या एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लिया गया है वो 0.5 है, मतलब कि इवेंट बी मतलब एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लिया जाना इज द इवेंट बी, इवेंट बी
की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए1, ए1 मींस ए1 हैज अकर्ड, ए1 मींस ए जो पर्सन है वो सीईओ बना, जब ए पर्सन सीईओ बना वो उसके बाद एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.5। जब बी पर्सन मींस ए2 इवेंट हो चुकी है, बी पर्सन सीईओ बन गया और इसके बाद एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.45, मतलब इवेंट ऑफ बी गिवन दैट ए2 हैज अकर्ड 0.45, और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए3 हैज अकर्ड, ए3 मतलब कि थर्ड पर्सन सी पर्सन जो है वो एम्प्लॉय सीईओ बन गया है, तो एम्प्लॉय के बेनिफिशियल डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी व्हेन ए3 हैज अकर्ड इज 0.6। ये जो गिवन था हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब हमारे पास पीबी कितना आएगा, पीबी टोटल एम्प्लॉयज का बेनिफिशियल डिसीजन लेने का टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगा कि जब ए हमारा फर्स्ट पर्सन क्या बने, सीईओ बने और एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन ले, सेकेंड पर्सन सीईओ बने और एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन ले, थर्ड पर्सन सीईओ बने और एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन ले, इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा टोटल एम्प्लॉय के बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब ये आप लिख सकते हो, कैसे, मैं लिख के लाया हूं क्या, नहीं, पी बी ऑफ ए1 ये यहां से आप चेक कर सकते हो, ये रहा पी समथिंग इंटरसेक्शन समथिंग, P A intersection something कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो P of A1 into P of B when given A1 has occurred, लिख सकते हो ऐसे yes, P B of A1 कैसे लिख सकते हो, B intersection A1 कैसे लिख सकते हो, ये दे रखा ना मैंने फॉर्मूला, ये तो दिखाया था आपको रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, P of A into P of B given A और probability of B into probability of A given B, यहां पे भी हमने ऐसा किया, B intersection A is probability of A1 into probability of B intersection, sorry, probability of B given that A1 plus, इसको कैसे लिखेंगे हम, probability of A2 into probability of B when given A2 plus probability of A3 into probability of B given that A3। सॉल्व करो इसको कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 0.2 × 0.5 plus 0.3 × 0.45, क्लियर हुआ, प्लस 0.4 × 0.6, बताओ कितना आ रहा है, 0.01 प्लस कितना आ रहा है, जल्दी बता दो, 0.1 प्लस, सॉल्व करके देख लेता हूं मैं, 0.45 × 0.3 प्लस 0.1 × 0.6 × 0.24, अब देखो ये जो मैंने अभी आपको पूरा बताया, ये आप इतना फॉर्मूला लगा के समझ के और सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल, बट इतना देर लगाना नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा इसका ट्रिक बोल दो या मेथड बोल दो, एक ऐसी चीज है जिससे आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, कैसे, देखो बताता हूं मैं, ये बहुत काम आएगी तुमको आगे, तीन पर्सन का सीईओ बनने का चांस, ए बिकम्स सीईओ और बी
becomes CEO or C becomes CEO. है? तीन लोगों के सीईओ बनने के चांसेस हैं और कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से. पीएक्स कैसे आया? पीएक्स कौन सा? ये पीबी आया भैया. पीबी है एम्प्लॉय के बेनिफिशियल डिसीजन लेने की पूरी प्रोबेबिलिटी, कि एम्प्लॉय के डिसीजन लेने की या एम्प्लॉय के बेनिफिशियल डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. यस, ट्री डायग्राम बहुत इजी है कि अगर ए सीईओ बनता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, पॉसिबिलिटी 0.2. बी सीईओ बनने की पॉसिबिलिटी है 0.3 और सी बनने की प्रोबेबिलिटी है 0.4. ठीक है, अब अगर ए सीईओ बना तो इसके आगे एक और इवेंट है. वो क्या है? एम्प्लॉई का बेनिफिशियल डिसीजन लेना. और ये भी सीईओ बनता है तो एम्प्लॉय का बेनिफिशियल डिसीजन लेगा. और ये अगर सीईओ बना तो ये भी लेगा क्या? एम्प्लॉय के बेनिफिट में डिसीजन. और इन सब की पॉसिबिलिटी कितनी है? पॉसिबिलिटी है 0.5, इसकी पॉसिबिलिटी है 0.45 और इसकी पॉसिबिलिटी है 0.6. अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि सब मिलके और एम्प्लॉई का बेनिफिशियल डिसीजन लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.2 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.45 प्लस 0.4 इंटू 0.6. और ये कहां से आया? ये फॉर्मूला से समझ में आया हमको. तो ये आंसर क्या जाएगा हमारा? बहुत सिंपल, 0.2 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.45 प्लस 0.4 इंटू 0.6. और वही सेम टू सेम चीज मेथड से ही निकल के आई है, बट हमने उसको थोड़ा सा ट्री डायग्राम में देख लिया ताकि इजीली बन पाए. बस यही आपने सॉल्व करना था और आपका आंसर आ गया 0.475. कि एम्प्लॉय बेनिफिशियल डिसीजन लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होगी 0.475 टोटल. ग्रेट, चलो तो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी सा. मैं लिख के लाया हूं, मैं टाइप करके लाया हूं कि 0.3 पॉसिबिलिटी है कि लोग स्मोकिंग करते हैं ओवरऑल लोगों में से, पॉल्यूशन 0.5, जेनेटिक रीजन 0.2. तो पॉसिबिलिटी है कि 0.3% लोग स्मोकिंग करते हैं और उसकी वजह से कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5. पॉल्यूशन है 50% और पॉल्यूशन की वजह से कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, कि किसी को पॉल्यूशन हुआ और उसकी वजह से कैंसर हुआ, मतलब पॉल्यूशन हुआ और कैंसर हुआ, और जेनेटिक रीजन से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है 0.5. तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर कितना होगा? पुनीत जी रुकिए रुकिए, हम बिल्कुल रोहित पुनेता, कौन से क्वेश्चन में यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में यूज करना है ये पता ऐसे चलेगा डियर, कि ये दे रखा है कि हमें कैंसर होता है बट अलग अलग रीजन से. लोगों को कैंसर होता है अलग अलग रीजन से, कि लोग स्मोकिंग करते हैं, कहीं कहीं पॉल्यूशन है, कहीं जेनेटिक रीजन है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती. कौन कौन सी? खाली स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, बट कैंसर की पॉसिबिलिटी है 0.5. कब? जब स्मोकिंग की वजह से किसी को कैंसर होता है, मतलब कि ये है पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर गिवन दैट फेलो स्मोक्स. तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि एक इवेंट गिवन है और उस इवेंट के बेसिस पे दूसरी इवेंट भी गिवन है, और ऐसे मल्टीपल रीजन की वजह से कैंसर हो सकता है. तो ये चीज कॉमन है, पर मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकती है. अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर तो इजीली समझ आ जाएगा आपको ये क्या आएगा. बड़ा सिंपल सा फंडा है जो अभी हमने देखा है, 0.3 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.75 प्लस 0.2 इंटू 0.5. बताओ कितना आ रहा है ये? 0.15351, 0.6 पॉसिबिलिटी है कि लोगों को कैंसर होगा.
समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का, एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। एन इंडिविजुअल हैज थ्री डिफरेंट ईमेल अकाउंट्स, एक पर्सन के पास तीन अकाउंट है। मोस्ट ऑफ हर मैसेजेस, इनफैक्ट 70% कम इन टू अकाउंट नंबर वन, वेयर एज 20% कम इन टू अकाउंट नंबर टू एंड 10% कम इन टू अकाउंट नंबर थ्री। तो जितने उसके मेल्स हैं एक पर्सन के, उनके 70% जो मेल आते हैं वो एक अकाउंट में आते हैं, 20% दूसरे अकाउंट में आते हैं और बचे हुए 10% अकाउंट नंबर तीन में आते हैं। जितने मैसेजेस अकाउंट नंबर वन में आए हैं उनमें 1% स्पैम है, जो मैसेजेस अकाउंट नंबर टू में गए हैं उनमें से 2% अकाउंट, जो 2% है वो स्पैम है, और अकाउंट थ्री के 5% ऐसे हैं जो स्पैम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड मैसेज इज अ स्पैम? कैसे पता चलेगा कि ये जो रैंडमली सिलेक्टेड मैसेज है ये एक स्पैम है? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मैसेज जो आपने देखा है वो स्पैम है? अब ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बराबर। देखते हैं, सबसे पहले तो तीन इवेंट हो रही है कि जो अकाउंट आया या जो ईमेल आया है वो अकाउंट नंबर वन पे गया, या ईमेल जो आया वो अकाउंट नंबर टू पे गया, या जो ईमेल आया वो अकाउंट नंबर थ्री पे गया। इन तीनों के पॉसिबिलिटीज गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या है? 0.7, 0.2 एंड 0.1। अब इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर वन में जो ईमेल आया है वो, अब ईमेल तो अकाउंट नंबर वन में ही आया है, हाँ वो इवेंट हो चुकी है कि ये वाला ईमेल इधर आया है अकाउंट नंबर वन में। अब उसमें से भी एक इवेंट है कि इट्स एन स्पैम, तो वो इवेंट क्या है? 1% मींस 0.1 चांस इज देयर दैट पर्टिकुलर ईमेल इज स्पैम। स्पैम की प्रोबेबिलिटी जब वो मेल सेकेंड अकाउंट में आया है वो, और जब वो मेल थर्ड अकाउंट में आया है, और स्पैम की पॉसिबिलिटी क्या है? गिवन है ऑलरेडी कितनी है। यहां पे देखो दे रखी है 1%, 0.01, यहां दे रखी है 2%, 0.02, और यहां दे रखी है 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम होगा कि कोई अकाउंट या कोई मेल जो आया वो पर्टिकुलर मेल जो है वो स्पैम है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, उनको ग्रीन कलर तो ऑलरेडी है, इधर इधर से कलर चेंज कर देते हैं, 0.7 इंटू 0.01 प्लस 0.2 इंटू 0.02 प्लस 0.1 इंटू 0.05। चलो बताओ कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करो। बताओ कितना आ रहा है टोटली? जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स आ रहा है मेरे ख्याल में। देखो एक बार, करेक्ट है क्या? 0.016 इज द पॉसिबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड
ईमेल इज अ स्पैम, है ना। अरे यार कैलकुलेशंस तो आसानी से कर सकते हो तुम लोग कि नहीं कर पाओगे? कैलकुलेशन तो कर पाओगे, है ना। अब देखिए, ये तो था टोटल प्रोबेबिलिटी कि कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड कोई ईमेल है तो वो स्पैम है या नहीं, ठीक है। बट अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड मैसेज इज अ स्पैम फ्रॉम अकाउंट नंबर 2? अब हम घूम गए सर। अब क्वेश्चन क्या है कि जो आपने रैंडमली सिलेक्ट किया है एक मैसेज, वो स्पैम तो है ही, बट वो अकाउंट नंबर 2 से है। वो अकाउंट नंबर 2 से है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बताओ जल्दी से, किसी को कोई आइडिया है क्या करेंगे इसमें? अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है तो फिर आइडिया है ये बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का मैं थ्योरम बाद में बताता हूं, पहले ये बताता हूं कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, कि एक पर्टिकुलर टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि स्पैम है एक पर्टिकुलर रैंडमली सिलेक्टेड ईमेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप एडिशन से निकाल सकते हैं, जी हां। बट अगर एक रैंडमली सिलेक्टेड ईमेल स्पैम है, वो भी अकाउंट नंबर 2 से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईमेल being spam from account number 2 divided by probability of total probability that an email is a spam. एक प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट 2 के एक स्पैम बनने की कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईमेल टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर 2 ओनली एंड इट इज अ स्पैम इज 0.2 into 0.02। कितना होता है देखो, ये 0.2 into 0.02 डिवाइडेड बाय टोटल स्पैम की प्रोबेबिलिटी है 0.016। ईमेल बीइंग स्पैम फ्रॉम अकाउंट नंबर 2, ये रहा 0.2 into 0.02। तो आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी ली है? एक्चुअली मुझे यहां पे और क्लियरली लिखना पड़ेगा कि ईमेल फ्रॉम अकाउंट नंबर टू इज स्पैम। एक ईमेल हमने लिया, वो अकाउंट 2 से है और उसके स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 into 0.02 डिवाइडेड बाय 0.016, ये आ जाएगा 25%। तो एक पहले ईमेल हमने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट 2 से लिया, तो ईमेल अकाउंट 2 से लिया मींस एक ईमेल अकाउंट 2 पे ऑलरेडी इवेंट अकर हो चुकी है कि ये ईमेल अकाउंट 2 का ही है, और उसकी प्रोबेबिलिटी देखी 0.2, ठीक है। फिर उसमें स्पैम को प्रोबेबिलिटी देखी कितनी है कि ये स्पैम है गिवन दैट अकाउंट 2 से आया हुआ मेल है। मींस एक्चुअली ये आपने यहां क्या लिखा है, एक्चुअली ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम when given that this particular email is from account 2, ये आपने probability यहां पे लिखी हुई है, divided by probability of total spam is probability what? Probability of
a particular message which is account which is from account number 2, given that it is a spam. Given that it is a spam. तो ये रहा आपका वही वाला थ्योरम पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल स्पैम समेशन, सारी टोटल प्रोबेबिलिटी ये आ गई, यहां पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो चुकी है, जी हाँ अकाउंट 2 पे है और स्पैम है, इनटू प्रोबेबिलिटी जो कि ये रही. ये रही आपकी बेस थ्योरम जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन की. थ्योरेटिकली मैथमेटिकली देख लेना, इतना कोई खास बहुत बड़ा कोई ये नहीं है आपके पास. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में. प्रोबेबिलिटी में कुछ और चीजें हैं, लाइक रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो आते हैं आपके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है, कुछ और छोटी मोटी चीजें हैं जो अगर लगेगा तो हम बाद में देख लेंगे और. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंडा है स्टैटिस्टिक्स का, क्या है कैसे है क्यों है, एक एक करके सारी चीजें देखेंगे. स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है मैथमेटिक्स का जो कंसर्न होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से. सबको पता है आप लोगों को डेटा का पे काम चलता है स्टैटिस्टिक्स में, फाइन. बट ये स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स का मेन जो हमारे पास मोटिव है वो है क्या? मेन मोटिव है हमें एक ऐसा कुछ एनालिसिस करना है हमारी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में जो हमें रिप्रेजेंट करके दे डेटा को इन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म और इन मोर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म. और उनमें से एक छोटा सा जो हमारे पास फील्ड है वो है सेंट्रल टेंडेंसी. आप पहली लाइन पढ़ें आपको बड़े ब्यूटीफुली तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या. सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो है एक स्टेटिस्टिकल मेजर जो डिटरमाइन करता है एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को और रिप्रेजेंट करती है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर को. नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं. आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में. अब 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंटर स्टूडेंट बनाया जाता है जिसे आप बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ताकि वो क्लास की टेंडेंसी को सेंट्रलाइज करके और रिप्रेजेंट कर सके क्लास टीचर के सामने या कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के सामने, ताकि उस क्लास में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है या जो भी उस क्लास का कोई भी टेंडेंसी होगी वो आगे टीचर तक, क्लास टीचर तक या डीन तक पहुंच पाए, तो उसे बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम यहां पे अगर एक गिवन डेटा है आपके पास 100 एलिमेंट्स का और उस डेटा में आपको दे रखा है 100 स्टूडेंट्स का स्कोर, तो उन 100 स्टूडेंट्स के स्कोर से एक ऐसी वैल्यू जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी वो निकालेंगे और बताएंगे कि ये वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो ये सारे 100 स्टूडेंट्स के स्कोर को रिप्रेजेंट करती है. अब वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकती है? क्या वो सेंट्रल टेंडेंसी मीन या एवरेज हो सकती है 100 वैल्यूज का? यस. क्या वो मीडियन हो सकता है? यस. मॉड हो सकता है? यस. ये सब डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा किस टाइप का है. आप कभी कभी एवरेज के थ्रू बताते हो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है इस पर्टिकुलर डेटा सेट की, या फिर मीडियन के थ्रू या फिर द मॉड के थ्रू. बट सेंट्रल टेंडेंसी को लेने का क्या गोल है? द गोल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू आइडेंटिफाई द सिंगल वैल्यू दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डेटा सेट. एक वैल्यू पर वो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं. आपकी क्लास में आप हो अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की आपके पास फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स के टोटल 100 स्टूडेंट्स की एज दे रखी है.
100 स्टूडेंट्स की एज मेरे पास है। अब मुझे एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू निकालनी है जो इन सारी एज को एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, इनका एवरेज निकाल लूंगा, जिसे हम बोलते हैं मीन। ये एवरेज निकाल लिया, मीन वो एक सिंगल वैल्यू सारे 100 स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट एज रिप्रेजेंट कर देगा। बेस्ट रिप्रेजेंट कर देगा, यस रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि फाइनल ईयर तक आते आते स्टूडेंट्स की एज वही ऑलमोस्ट रहती है 21 से बीच में 23 के बीच में, 21 टू 23 के बीच में यूजुअली। उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्यों जरूरी है, ये हम जब डेटा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तब तो बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास हो सकता है डेटा माइनिंग में मिसिंग डेटा। हो सकता है मिसिंग डेटा हो, हाँ। सपोज मैंने 1000 स्टूडेंट्स की या 10,000 स्टूडेंट्स की आपको दे रखी है पूरा डेटाबेस, पूरा डेटाबेस, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उसका हाइट, मेजरमेंट, ये वो सब कुछ, वेट वेट ये वो, एज वेट सब दे रखी है। अब ऐसे चार स्टूडेंट हैं जिन चार स्टूडेंट की एज मेरे पास मिसिंग है। अब मुझे कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रन करनी है, तो अब अगर चार स्टूडेंट की एज मिसिंग है तो इन चार स्टूडेंट की एज का करें क्या, ये चार स्टूडेंट्स की एज का करेंगे क्या, ये चार स्टूडेंट्स की एज का हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन चार स्टूडेंट्स की एज को रिप्लेस कर देंगे। या तो हम ये चार स्टूडेंट्स का डेटा पूरा हटा दें कि हमको चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास एज नहीं है, मिसिंग डेटा है। बट अगर हमको चाहिए कि बाकी का इंपॉर्टेंट डेटा, हो सकता है नहीं उसकी हाइट हमारे पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, हमारे एनालिसिस में, हमारे मॉडलिंग में काम आ सकती है, दूसरे मेजरमेंट्स काम आ सकते हैं, उसका वेट काम आ सकता है, तो हम एज को किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो किससे करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी से। किससे करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी से। आई होप आप समझ पा रहे हो एक्चुअली क्या है उसका, आप समझ पा रहे हो एग्जैक्टली कि क्या उसका सिंपल सा बेनिफिट है। अब एक और एग्जाम्पल, अभी आप यहां पे क्या करेंगे, उसको सेंट्रल टेंडेंसी से रिप्लेस करेंगे, बट क्या सेंट्रल टेंडेंसी चूज करोगे, द एवरेज विल वर्क हियर, एवरेज विल वर्क हियर, अच्छा काम करेगी, एवरेज एज से रिप्लेस करो तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब अगर सपोज आपके पास और भी मिसिंग डेटा है उनके, उन स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड, तीन स्टूडेंट्स का जेंडर नहीं पता, मेल है कि फीमेल है नहीं पता, अब क्या करेंगे, अब हम यहां तो एवरेज ले नहीं सकते, क्योंकि या तो मेल है या फीमेल है, इनका एवरेज कैसे लेंगे, इनका एवरेज ले नहीं सकते। अब अगर इनका एवरेज नहीं ले सकते तो यहां पे एक अलग टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो। अगर हमारे पास क्लासरूम में मेल ज्यादा है तो इन तीनों को भी मेल ले लो, अगर हमारे पास क्लासरूम में फीमेल ज्यादा है तो इन तीनों को भी फीमेल ले लो, उस बोलते हैं, उस सेंट्रल टेंडेंसी को बोलते हैं मॉड। तो हम इसमें मॉड से रिप्लेस करेंगे, मोड से रिप्लेस करेंगे, मोड से रिप्लेस करें, नॉट मोड, मोड, मोड से रिप्लेस करेंगे। यस यस, तो ये जो चीज है, ये डिसीजन कब आप लेंगे, जब आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता हो और उस सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकालते हैं ये पता हो, और कब किस सेंट्रल टेंडेंसी से उस मिसिंग डेटा को रिप्लेस करेंगे या फिर उन नए डेटा को फिलअप करेंगे, ये डिपेंड करता है उस टाइप के डेटा सेट पे। तो ये तीन टाइप के आपके पास सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन, मॉड, मीडियम, मीन, मोड, मीडियम। ठीक है, तो हम कल इन तीनों चीजों को देखेंगे कि मीन, मोड, मीडियम होता, मीडियन होता क्या है, और साथ ही साथ कल हम देखेंगे हिस्टोग्राम्स। ये हिस्टोग्राम हमारे स्टेटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या होता है हिस्टोग्राम, क्यों जरूरी है हिस्टोग्राम, और फिर हम स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका स्टडी किस तरीके से किया जाता है, ताकि हमें आगे की चीजें समझ में आए। राजेंद्र जी, हम मॉड कल देखेंगे एग्जैक्टली कि मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है, और क्यों हम मीन को नहीं कंसीडर करते हुए कभी कभी मीडियन को कंसीडर करते हैं, हम कल देखेंगे इसके बारे में भी, डेफिनेटली देखेंगे, बताएंगे हम, मैं बताऊंगा कि मीन में क्या प्रॉब्लम है कि हम मीडियन की तरफ जाएंगे।
डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट कल बताएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, हिस्टोग्राम और स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें हैं और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस, बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं बाद में, मतलब रिकॉर्डेड, तो आप कोशिश करें कल लाइव आने की, क्योंकि ये कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। नमपाई और पैंडास कब कराएंगे आदित्य जी? पहले तो ये स्टेटिस्टिक्स कल हो जाए, अगर कल हो जाएगा तो हम फिर डे आफ्टर से पाइथन का सेटअप और पाइथन का बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक बेसिक पाइथन मुझे लगता है 5 to 6 days, मैक्सिमम 1 week में हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हम नमपाई और पांडास उठाएंगे। तो जैसे ही हमारा बेसिक्स ऑफ पाइथन खत्म, उसके बाद फिर अपन नमपाई और पांडास एक एक करके लेंगे। तो पहले नमपाई मुझे लगता है कि 1 या 2 3 सेशन लग सकते हैं, उसके बाद फिर पांडास लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम मेटप्लॉटलिब ले लेंगे, ताकि पांडास और मेटप्लॉटलिब दोनों एक साथ कवर हो जाएं एक के बाद एक, और सीबॉन भी ले लेंगे, और उसके बाद में फिर हम मशीन लर्निंग की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, और फिर अगर होगा हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत तो फिर हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की तरफ चल लेंगे। ठीक है, चलो। अगर आपको ये क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये पर्टिकुलर अनअकैडमी गेट सीएस ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस क्लास का। और अगर आपको गेट या ईएससी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, यूज कर लो कोड VDEEP10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, मेरा मेंटरशिप मिले, और साथ ही साथ आपको मिले मेरा गाइडेंस, और आपको मेरी पूरी टीम का सपोर्ट भी मिलेगा। याद रखें, ये जो प्राइसेस नीचे लिखे हुए हैं ये आफ्टर द डिस्काउंट है, और आपको इससे थोड़ा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में विनर होते हैं। तो ये हर संडे टू संडे एक पर्टिकुलर कॉम्बैट होता है, इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में आपको गेमिफाइड कंटेस्ट रहेगा, अगर आपकी इसमें रैंक आती है 1 से लेकर 3 तक, आपको 100% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक इसमें आती है 4 से लेकर 10 तक, तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको रैंक आती है 11 से लेकर 50 तक, मिलेगा 50% का डिस्काउंट। और अगर आपकी रैंक है 51 से लेकर 100, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, हर संडे 11 AM गेमिफाइड कंटेस्ट है देव। अगर आपको अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं भी चाहिए, नहीं है आपका एम, तो एटलीस्ट गेट की प्रिपरेशन के लिए ये टेस्ट लिखो, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कि कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी, किस तरह की, किस लेवल की प्रिपरेशन है, क्योंकि क्वेश्चन वही आने वाले हैं। तो एक अच्छा कंटेस्ट भी हो जाएगा आपको, और पता भी चल जाएगा कि यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली और एक्यूरेटली और ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैनल के कंटेंट को आप प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे जूनियर सीनियर कनेक्शंस में पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि इस पर्टिकुलर चैनल पे जिस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है, वो उनके बेनिफिट में काफी 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 अच्छा साबित हो सकता है। तो अगर आपने सेशन लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर करते रहो सेशन को, चैनल के कंटेंट को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन जब भी हमारी क्लासेस आए। कीप लर्निंग हैप्पीली एंड एंजॉय द लर्निंग, सो दैट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर लर्निंग फॉर योर करियर बिल्डिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।